want then? Okay. So, anyway, today's session is going to be the most important of all. Why? Because from now, when you go back, how to spend rest of your life so that you are free of those medications, you are free of those symptoms. आज यहाँ से जाने के बाद क्या करना है ताकि जिंदगी भर वो सारी दवाएं जो जिंदगी भर लेते रहे हैं वो रेस्ट ऑफ द लाइफ देने की जरूरत ना पड़े. तो ये ऑफकोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंडिविजुअली हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप सबने जो तीन दिन का आपका परफॉर्मेंस है ब्लड होमोस्टेसिस का, ऑन द बेस ऑफ दैट आई डिजाइन द डाइट प्लान फॉर ईच वन ऑफ यू, ऑन द बेस ऑफ द 3 days ऑफ ब्लड होमोस्टेसिस ऑफ ईच वन ऑफ यू. तीन दिन में आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर और जो जो सिम्टम आपने मुझे पर्सनली बताया, हमारे टीम को बताया, जो आपका मेडिकल हिस्ट्री रहा है, जो आपने मेडिसिन सबमिट किया है, ऑल दोस थिंग्स आई कंसीडर टू डिजाइन समथिंग फॉर यू इन ए वे दैट फूड बिकम्स मेडिसिन व्हेन यू ईट राइट. एंड वन थिंग इज श्योर दैट वंस यू डू दिस द वे आई से यू विल बी सर्टेनली हार्ट अटैक प्रूफ. एक बात पक्की है कि हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक आपको नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता, राइट, अगर आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करेंगे. तो दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट, गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे ऑफकोर्स एज वी अंडरस्टूड ऑन द फर्स्ट डे, सम ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सम ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी, कुछ लोग हिंदी समझते हैं, तो मैं दोनों भाषा में बोलने की कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज, बट इफ एनीबडी थिंक्स दैट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, he must at that moment only raise hand so that I speak right again in some way other way. agar kisi ko kahin lag raha hai ki unko samajh nahi aayi ye baat language barrier ki wajah se, to ye unki responsibility hai ki unko usi waqt hath raise karna hai bina dikke. kuch agar yahan miss ho gaya to phir pakadna bada mushkil ho jayega aapke liye. I'll try to be really cautious, careful to speak very clearly, right. main bahut koshish karunga ki sab kuch bahut clear aapko bata paun, lekin phir bhi kuch agar lagta hai to aapko hath raise karna hai. Right? Then I'll try to speak again. ताकि आपको पूरी बात समझ आए. Now, in these 3 days, on the basis of your blood sugar, इन तीनों दिनों में आपके ब्लड शुगर के मुताबिक मैंने आप सबको तीन डिफरेंट टीम में बांटा है. Based on your blood sugar and blood pressure report, I divided all of you in three groups, three teams. Team one, the people those whose blood sugar behave like a tortoise, ऐसे लोग जिनका ब्लड शुगर एक टॉर्टोइस को हिंदी में कहें कछुए की तरह, कछुआ देखा आपने, you have seen tortoise, it moves very very slowly, so their blood sugar is similar to that, उनका ब्लड शुगर बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही स्लो, धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, it goes very slow up, it goes very slow down, and that is the ideal kind of blood sugar, ऐसा ही होना चाहिए. Like a tortoise, it should go very slowly. Right? So they are in a tortoise kind of blood sugar group. So for rest of the life, they have to eat tortoise type DIP diet. What is tortoise type DIP diet? What tortoise type DIP diet? क्या है? वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उससे पहले वो तीनों ग्रुप के बारे में बता दूं. Second, there are kind of people whose blood sugar behave like a rabbit. ऐसे लोग जिनका ब्लड शुगर खरगोश की तरह भागता है, एकदम ऊपर एकदम नीचे, suddenly it goes up, suddenly it goes down, very quickly. So they belong to rabbit type DIP diet. So this means they have to eat rabbit type DIP diet to catch that rabbit of blood sugar. उस rabbit खरगोश की तरह blood sugar भागते हैं, blood sugar को पकड़ने के लिए rabbit type DIP diet. But then there are third kind of people. एक तीसरे तरह के blood sugar के लोग हैं यहाँ पे. There ब्लड शुगर बिहेव लगे फ्रॉग देखा मेंढक, अनप्रेडिक्टेबल. यू सीन ऑब्जर्व द फ्रॉग, कभी आप बैठे तो बैठे ही घंटों तक, सडनली इट जंप्स, राइट. सो देयर ब्लड शुगर इज लाइक दैट, इट इज सिटिंग एट वन प्लेस एंड सडनली इट जंप्स, अनप्रेडिक्टेबल, राइट. एंड हाउ मच इट विल जंप कैन नॉट प्रिडिक्ट, व्हेन इट विल जंप कैन नॉट प्रिडिक्ट, हाउ मच इट विल बी staying at one place, cannot predict. So they will be in a frog type DIP diet. वो लोग frog type DIP diet में होंगे, क्यों? उनका जो blood sugar है वो frog की तरह behave कर रहा है, अचानक कहीं भाग जा रहा है, predict नहीं कर सकते कुछ, पहले से अनुमान ही नहीं लगा सकते. तो उस
रॉक की तरह मेंढक की तरह ब्लड शुगर को पकड़ने के लिए आपको जो डाइट है दैट्स कॉल्ड ब्रॉक डाइट डीआईपी डाइट. बट यहां पे इंटरेस्टिंगली इन दिस ऑडियंस देयर इज अ फोर्थ टाइप ऑफ पीपल आल्सो. एक चौथा ग्रुप भी मैंने देखा, चौथा बहुत कम मिलता है. In 500 I find one or two patients in fourth type of group. Here there are three or four people. तीन या चार लोग ऐसे हैं. They are called as golden frog. Golden frog is the most poisonous frog and most dangerous frog in the world. Right? वो unpredictable तो है, वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है. Right? So this means, but they have a solution. They have to be on a golden frog type of DIP diet. उनको golden frog DIP diet पे रहना. That's all. Right? So now, who belong to which group? पहली बात. दूसरा, कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन सा नहीं लेना, कोलेस्ट्रॉल लाए. एंड थर्ड, हम सब थोड़े थोड़े अलग अलग बने हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक क्या क्या करना है. ये तीन चार बातें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ अभी मैं बताऊंगा कि टॉर्टोइस टाइप मेंटेनेंस डाइट क्या है, टॉर्टोइस टाइप डीआईपी डाइट क्या है. व्हाट इज दैट? टॉर्टोइस इज द बेस्ट टाइप ऑफ ब्लड शुगर. सो दोज हु आर केयर टेकर, जो आप लोग में से जो केयर टेकर हैं फैमिली के साथ आए हैं जस्ट टू सपोर्ट, राइट, तो उनको क्या करना है? सिंस दे हैव नॉट चेक देयर ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर, आई डोंट हैव देयर रिकॉर्ड, दे आर जस्ट अ केयर टेकर, दे कैन बी ऑन अ सेफली ऑन टॉर्टोइस टाइप ब्लड शुगर, टॉर्टोइस टाइप डीआईपी टाइप. राइट, टॉर्टोइस टाइप डीआईपी टाइप किसी के लिए भी है, जो हेल्दी लोग उनके लिए भी है. जिंदगी में हेल्दी रहने के लिए टॉर्टोइस टाइप मेंटेनेंस डाइट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. नाउ स्टार्ट विद द टॉर्टोइस टाइप मेंटेनेंस डाइट. टॉर्टोइस टाइप मेंटेनेंस डाइट क्या है? वेरी सिंपल, ये सारी चीज आपको भी मिल जाएंगी. नीड नॉट टू राइट, व्हाट एवर आई शो यू राइट नाउ विल बी गिवन टू यू राइट नाउ. थोड़ी देर में आपको दे देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, फिर मैं अभी दे दूंगा इन द सेम फॉर्म, कलरफुल फॉर्म, या प्रिंटेड फॉर्म राइट नाउ. राइट, जो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो अभी आपको दे देंगे उसी फॉर्म में, कलर फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में. सो फोकस ऑन व्हाट आई से राइट नाउ. इफ यू आर इन अ टॉर्टोइस टाइप डीआईपी डाइट, व्हाट शुड बी योर लाइफस्टाइल? अगर आप टॉर्टोइस टाइप डीआईपी डाइट में तो क्या करना है आपको? 12 बजे तक टिल 12 नून वॉट एवर यू ईट लेट इट बी ओनली फ्रूट, सिर्फ फल ही फल, नथिंग एल्स. राइट, किस तरह के फल? एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स, 3 to 4 वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, 3 से 4 तरह के फल. कितना खाना है? योर बॉडी वेट, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मेरा बॉडी वेट 70 kg, इंटू 10 700 ग्राम, 700 ग्राम ऑफ 3 to 4 टाइप ऑफ फ्रूट्स टिल 12 नून, एंड दैट इज मिनिमम. अगर इतना खाएंगे देन दिस फूड विल वर्क एज ए मेडिसिन. इतना खाएंगे, इफ यू ईट इन दिस अमाउंट ओनली देन दिस फूड विल वर्क एज ए मेडिसिन. इफ इट इज लेस देन दैट देन इट इज ओनली फूड, बट इफ इट क्रॉसेस दिस लिमिट देन इट बिकम्स टू रोल्स, फूड एंड मेडिसिन बोथ. राइट, सो ईच वन ऑफ अस हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स, हम सब फ्रूट्स खाते हैं. सो व्हाई वी डोंट गेट दैट बेनिफिट? बिकॉज डोसेज. सो दैट डोसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस व्हेन यू गो बैक होम, आप जब घर जाएंगे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, राइट, यू कैन ट्राई दिस डाइट ऑन देम, बट हाउ टू डिजाइन द डाइट, ये फॉर्मूला है, दिस द फॉर्मूला. राइट, छिलका निकाल के गुठली निकालने के बाद आफ्टर पीलिंग ऑफ आउटर लेयर द इफेक्टिव वेट ऑफ द फ्रूट विच यू आर गोइंग टू कंज्यूम, आई एम टॉकिंग दैट शुड बी एट लीस्ट कम से कम दिस मच. राइट, लंच और डिनर keep writing and I can understand what kind of question may be there in your mind and aap dekhenge jo aapka sawal tha wo apne aap hi aata jayega. Right, so abhi sawal nahi puchna, agar aapko kuch samajh nahi aa raha meri main kya bol raha hu wo aapko puchna, but other than you write, feel karke I'm coming, keep writing. Right, while as you go through you have a lot of questions, keep writing that immediately. Right, yahan pe 700 ग्राम कितने बार में खाना है, हाउ मच टाइम इट, हाउ मेनी टाइम्स, इट डिपेंड्स ऑन यू, दैट फ्लेक्सिबिलिटी अप टू यू. आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन एट 12 नून, इज दिस मच अमाउंट इज इन योर स्टमक, दैट इज ऑल, हाउ इट इज इन स्टमक, इन वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, अप टू यू, कितनी बार में वो खाना है, एक बार में खाना है, कैसे खाना है, वो मैं नहीं जानता.
मैं जानता हूं कि 12 नून दिस मच अमाउंट टू बी इन द स्टमक राइट 3 टू 4 वैरायटी नाउ हाउ जो छिलका छीलना है तो छील लो केले का छिलका छीलना है राइट एप्पल का तो नहीं छीलना इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू बट मे बी मोर देन 4 टाइम्स एनी अमाउंट आपको पता है डिपेंडिंग ऑन देयर कलर्स एज ए ह्यूमन यू कैनॉट कैलकुलेट एक्सैक्टली हाउ मच विटामिन योर बॉडी विल नीड ह्यूमन बीइंग आप हैं आप नहीं कैलकुलेट कर सकते आपके बॉडी के एक्जैक्टली कितना मिनरल विटामिन चाहिए लेकिन जब चार तरह की वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आ गए हैं अनुमानित सारे तरह के विटामिन मिनरल बॉडी के पेट में चला गया बॉडी को जितना चाहिए वो अब्सॉर्ब कर लेगा सो आई ऑलवेज प्रमोट दैट हैव मल्टीपल फ्रूट्स मल्टीपल रादर देन ईटिंग ओनली वन ईटिंग ओनली वन समटाइम्स इज ओके कभी कभी एक मैं केले खा लूंगा एक दर्जन कभी कभी चल जाएगा कुछ और मिलेंगे लेकिन एज ए रूल Every day, try to have 3 to 4 variety of fruits. Or more than that, it is better for this situation. Any type of fruits and many types of fruits. Sweet fruits like mango, like grapes, or banana, or chiku. Any kind of locally available fruits, which is found in your city, which is found easily, that is the one. Which is called. एक्सेप्शन इज ओके तब मैंगो खा लिया अपने साथ तो काम कीप राइटिंग ड्राई फ्रूट्स नहीं ड्राई फ्रूट कैसे लेना है आई विल टॉक बट फ्रूट्स लेना है कितने ग्राम लेना है इससे ज्यादा ले सकते हैं बट नॉट लेस देन दैट डू आई नीड टू वे एवरी डे आई डोंट थिंक सो एक दिन दो दिन में विद इन 1 or 2 days यू विल गेट एन आइडिया हाउ मच इज 700 ग्राम और इन योर केस हाउ मच 800 ग्राम्स 800 ग्राम कितना होता है एक अनुमान लग जाएगा आप कुर्सी में एक किलो ही खाऊंगा तो कभी कम नहीं होगा ज्यादा से नुकसान नहीं है हमें जो याद दिया जा रहा है उस पर आऊंगा देखिए मेरे इतने ट्रेनिंग होते हैं तो मुझे अंदाजा है कि इस वक्त क्या आपके दिमाग में चल रहा है तो मैं अपनी हर स्लाइड में आगे आगे उनके जवाब आते ही जाएंगे अगर आप नहीं भी पूछेंगे तो राइट तो इसलिए आप लिखते जाइए और उम्मीद कीजिए जो आपके दिमाग में चल रहा है उसका जवाब आने वाला है और अगर नहीं आएगा तो आपने लिख के रखा ही है एट द एंड आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू आस्क यहाँ पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बाहर जाएंगे तो कोई और बताएगा नहीं इस बारे में बट बताऊंगा हाँ अब ऐसा है वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो टॉर्टस में आज है कल हो सकता है वो रैबिट बन जाए कुछ भरोसा नहीं है इसीलिए सबको सारा सुनना है राइट एवरीबडी वी मे चेंज शिफ्ट फ्रॉम वन टू अदर सो दैट मीन्स यू हैव टू लिसन टू ईच ऑफ द टाइप ऑफ थिंग एंड एनी वे आई गिव यू प्रिंटेड फॉर्म राइट सो और हर एक को हर एक का डाइट सुनना है यू विल हैव मोर नॉलेज दैट यू कैन अप्लाई विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको ज्यादा ज्ञान होगा वो अपने घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं ओके टिल 12 नून दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स और मोर देन दैट बट एटलीस्ट दिस 12 बजे तक नथिंग एल्स दिस मीन्स नो रोटी नो चपाती नो ब्रेड नो नूडल्स नो टी नो कॉफी नो बिस्किट्स ये सारी चीज बिल्कुल जीरो ओनली एंड ओनली फ्रूट डाइट इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग देन इंस्टेड ऑफ टी हुंजा टी अच्छा हुंजा टी की रेसिपी ऑफ हुंजा टी इज इन द बुक स्मॉल बुक लास्ट फ्यू पेज You'll find the recipe. And so you have to prepare Hunza tea and the recipe is already there. Uske liye kuch dabba kuch khareedne ki zarurat nahi hai. Right? Fresh prepare Hunza tea. Ye ho gaya 12 baje tak. Now here some children they go to school. Right? How to manage that in school? That I'll come to later. Woh baat mein main aaunga. Lekin karna kya hai? Kya quantity hogi? Us pe hum baat kar rahe hain. Now coming to... Excuse me. After tea you can take this food. After tea, after which tea? Hunza tea. Hunza tea is independent of this. Before, after, doesn't matter much. Doesn't it like tulsi and ginger? Next.
अभी ये आएगा, अभी तो बाकी और भी टाइप डाइट आएंगे इसमें. दिस इज सिंपलेस्ट डाइट. आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन, ये भी लो वो भी लो. इज सिंपलेस्ट डाइट जो कि कहीं भी गेट देर अबाउट 7-8 देशों से लोग हैं. देर आर पीपल फ्रॉम 7-8 कंट्रीज. सो आई एम ट्राइंग टू गिव अ डाइट विच यू कैन फॉलो वेर एवर यू आर गोइंग इरिस्पेक्टिव, राइट. सो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट. एंड दैट इज नॉट नीडेड ऑल्सो, राइट. सो वॉट इज नीडेड अ ब्रॉड आइडिया, राइट. सो इट इज ईजी टू फॉलो एंड इट शुड बी इफेक्टिव ऑल्सो. ओके, नाउ स्टेप टू, that is how to have the lunch and dinner. This is, I think, is more important than the step one. Jab bhi aap lunch or dinner karenge, plate one and plate two. Whenever you will have lunch and dinner, have it in two plate. Plate one and plate two. Here, very important. Yahan pe sabse zaruri. In the beginning, you have been asking till now, bhai roti chapati nahi kha sakte kya? Right? Will we not be able to eat rice or roti and noodles, our favorite food? Yes, you can eat. How much you want to eat? You can eat as much as you want. Plate two. Jo bhi aapko khana hai, aapko kya khana hai? Rajma chola? Put it here. Chole bature? Put it here. Right? Roti sabji? Put it here. Whatever you want to eat in this world, put it here. Any quantity of food, put it here. Dosa idli, put it here. Plate two. Before eating plate two, finish plate one. प्लेट टू खाने से पहले प्लेट वन खत्म करना है. प्लेट वन क्या है? फोर टाइप ऑफ वेजिटेबल विच यू कैन ईट इन रॉ. चार तरह की सब्जी जो कच्चा खा सके. कौन सी सब्जी? वो आप तक. बट फोर टाइप ऑफ वेजिटेबल विच यू थिंक यू कैन ईट इन रॉ. मेरे केस में, इन माई केस, टोमेटो, कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट, खीरा, गाजर, मूली, टमाटर. मेरे केस में चार टाइप हो गए. क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. My body weight into 5. My body weight 70 kg, for example. 350 grams of plate 1. At least 350 grams of plate 1. Right? Ek din, do din mein, for example, aisa 3 se ho jayega kaam. Right? 3 of this 125 grams. Not much. Jyada nahi hai ye. Bilkul bhi jyada nahi hai. So, tomato 4 se ho jayega kaam. Ya 2 tomato 2 khire se bhi kaam ho jayega. Bada bada hoga. So that is minimum to help it work as a medicine. अगर आप चाहते हैं कि दवा की तरह काम करे, right? Like it should work like a medicine, then it is the minimum amount into 5. Keep it on a higher side. मेरा my body 70 into 5, 350, I get 400 grams of plate 1. Once you finish this, इतना खाने के बाद अब look at plate 2 and you enjoy plate 2 as much as you want. I can read what is going on in your mind. देखिए, let me answer this question. What is happening? आपके दिमाग में सवाल है कि अगर इतना खा लेंगे तो plate two की जगह कहाँ रहेगी? If I eat this much of plate one, there will be no space left for plate two. I also don't want that you should eat plate two, first of all. But I don't want to hurt you by saying that you should not eat plate two. Anyway, that is one part of the answer. I can tell you one important thing. When you eat plate one of this quantity, you will feel more hungry than before, right? जब आप इतना plate one खा लेंगे, आपकी भूख और बढ़ जाएगी. और मैं आपको बताना चाहूँगा, within 4 days or 5 days or 1 week, you'll be eating similar amount of plate two as you were eating before joining this diabetes tour, right? उतने या उससे ज़्यादा ही खाएंगे. Your appetite will increase. You will be able to enjoy the same amount of plate two as you were enjoying before joining this tour, because this food increases your appetite, this food increases your hunger, this food increases your metabolism. What is metabolism? Let me explain. Ye food aapke metabolism ko badhata hai, bhookh ko badhata hai. For example, Mercedes-Benz ki jo engine hai, if you start and keep it for 1 hour, and Maruti 800 engine, start it, keep it for 1 hour, which will burn more energy? The engine which is bigger. Yeah? In the same way, it increases the body's ability to burn energy. That means your body becomes more powerful. This means it needs more food, more fuel, and you will
be able to eat at least the same amount as you were eating before. So this will not be on your way to enjoy your life by eating those ulta sita khana, right? That which those conventional food which you were enjoying, you still will be able to enjoy same amount. कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं इसको उल्टा कर लूँ तो पहले प्लेट को खा लेता हूँ फिर प्लेट पर. मेनी पीपल दे से ओके द क्लेवर पीपल हाउ अबाउट इफ आई ईट फर्स्ट द प्लेट टू एंड देन आई विल टेक प्लेट वन द रिजल्ट विल ऑल्सो बी ऑपोजिट. लेट मी एक्सप्लेन. प्लेट वन इज वॉट इट इज ए डी आई पी डाइट. प्लेट वन डी आई पी डाइट. इमेजिन दैट यू आर इन अ इन अ रोड देयर इज अ रेड सिग्नल राइट. So in a motorbike, but there is some VIP at the back, right? VIP, some mantri, some ministers, they are honing, hato hato. But you are a DIP, that you are not moving from there. They are forced to behave like a DIP. They cannot move, right? So they will be DIP for a while because you are on their way. So when you eat the DIP diet before, जब आप पहले ये खा लेंगे तो ये पेट के परत में पहले ही चिपक जाएगा. सो दिस मीन्स दिस इज फोर्स टू बिहेव लाइक डी आई पी. वॉट यू हैव टू ईट, हाउ मच यू हैव टू ईट, इन विच ऑर्डर यू हैव टू ईट, क्या खाना है, कितना खाना है, किस ऑर्डर में खाना है, तीनों का ही रोल है, राइट. सो आई एम नॉट लिमिटिंग यू टू ईट योर फेवरेट फूड. आई एम ओनली सेइंग चेंज सम रूल्स. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ. मैंने बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि उसका एक तरीका बनाना है बस. दैट्स ऑल, अ स्मॉल एडजस्टमेंट ओनली टू गेट बिग रिजल्ट्स, राइट. सो हियर देयर आर सम ऑफ यू आर नॉन वेजिटेरियन. हाउ मेनी ऑफ यू एनिमल फूड लवर्स, सम ऑफ यू ओके नॉन वेजिटेरियन. सो फॉर देम कैन दे ईट नॉन वेजिटेरियन फूड इफ यू आर इन टॉटर्स डाइट, राइट. माय ओपिनियन इज डोंट ईट एनिमल्स. But if you say no, no, then मैं तो फिर ये डाइट ही नहीं करूंगा, right? Then I will negotiate with you. Okay, then eat less. Then which animal you should not eat? The animal which is more harmful you should not eat, right? जो animal ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा damaging है, वो नहीं खाना. अच्छा, how to know which animal is more harmful to our body? Very simple. Animal with high cholesterol is more harmful. What can be the question now? जो एनिमल में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा हार्मफुल होगा. क्या सवाल हो सकता है अभी? विच एनिमल इज हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल? एनिमल विद मोर लेग्स आर हैविंग मोर कोलेस्ट्रॉल. सो काउंट द लेग्स बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग द एनिमल फूड इफ यू वॉन्ट टू ईट एनिमल. पॉर्क एंड बीफ मोर लेग्स, फोर लेग्स वेरी डेंजरस. चिकन टू लेग्स ओनली, लिटिल लेस डेंजरस. फिश नो लेग्स, बेटर देन चिकन. Somebody was saying in one of the tour, what about snake? No legs. Snake, saap ka agar dekhenge, if you see in the snake, microscopically thousand legs. Very, very dangerous. Right? Seafood, better than land food. But among the choice in seafood, then again choose the legs. Octopus, avoid. Right? Prawns, avoid. Right? First of all, avoid animal food. But if you really want to eat it, then this is the choice. Don't eat every day. But if you still want to eat it, select like this. In plate 2 only. After eating plate 1. Right? So this means, try to understand. No gap. Koi gap nahi. Bas ye ki do plate hai. There should not be a gap. You sit with 2 plate and you finish and then only you get up. Ek saath khana hai. वो आपको पहले दिन जब खाएंगे, when you eat first day, you may not be able to eat the second day. Second day, third day, fourth day, फिर आप देखेंगे खाने के आधे घंटे बाद बड़ी तेजी से भूख लगेगी, बड़ी तेजी से, तो तब खा लीजिए. लेकिन भूख जरूर आप करके देखिए. If you eat this much amount of plate one, you cannot live, right? You will be so hungry, you will be forced to eat plate two, right? करके देखिए. But my suggestion is, when you sit for lunch, you completely finish both the legs. Both plate and then you get up, right? But if you cannot do it, if you want to do it in breaks, the results will not be that good, but it is acceptable, right? So the choice is sit, eat both the plate together, but in this order. Ek hi bar mein khaiye, lekin isi order mein khaiye.
ये है लंच में ऐसा करना है, डिनर में भी यही करना है. व्हेनेवर यू सिट फॉर लंच एंड डिनर, दिस इज द रूल. क्लियर है? लंच और डिनर इज नॉट डिफरेंट. आई एम टॉकिंग ऑफ लंच, आई एम टॉकिंग ऑफ डिनर. डिनर में क्या करना है वही जो लंच में करना है. वन रूल, फिनिश डिनर बाय 7 PM इफ यू कैन. डिनर को 7 बजे तक खत्म कर दीजिए अगर आप कर सके तो, या फिर 7 बजे तक शुरू कर दीजिए. स्टार्ट योर डिनर बाय 7 PM एटलीस्ट. देर आर मेनी रीजन बट वन स्मॉल लॉजिक. कई कारण है, एक कारण इंपॉर्टेंट, 7 बजे से पहले यू आर इन ए डाइजेस्टिव मोड. बिफोर 7 PM योर बॉडी इज इन ए डाइजेस्टिव मोड. आफ्टर 7 PM योर बॉडी इज इन ए रिपेयर मोड. इफ यू ईट एंड एट 12 नाइट when the body was busy in repairing, you are doing the hindrance. 12 बजे रात को खाएंगे तो body तब repair करता है उस वक्त. जो भी टूट फूट हो गया, damage तो है ना बहुत सारे, तभी दवा ले रहे हैं या दवाई damage कर रहे हैं, right? तो you are giving one of the parts में you are saying आप हैं शायद, that your tongue is having some problem by eating that. You are the one? Pineapple? Yeah? You are the one, you are saying that. You, my suggestion to you and all of you, finish your dinner by 7 PM and start your breakfast at 7 AM. 12 hours is enough to heal your tongue. Kal dekh lijiye. But if you keep eating till 12 night and then start eating at 5 o'clock in the morning, you are giving only small time for the body to heal. So let the body give lot of time, because your body needs healing. After all, you were a patient. You are having a history of good medical conditions, right? तो क्योंकि आप पेशेंट है, बहुत सारा डैमेज तो है ना बॉडी में, तो क्यों ना बॉडी को मौका दिया जाए. कब देंगे? 7 बजे शाम से लेके सुबह के 7 बजे तक बॉडी का टाइम है, हीलिंग टाइम. आई डोंट मीन कि बिल्कुल स्टिक करना 7 बजे तक, मैं बोल रहा हूँ कि हो सके तो, नहीं तो 7:30, 8, 8:30 एटलीस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, एटलीस्ट बी कॉशियस अबाउट इट, एटलीस्ट दिमाग में रखिए कि कोशिश करनी है, कि ये रूल है एक, राइट? सो दिस इज द 3 main meal. ये 3 main meal है, ये ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. नाउ स्टेप 3, टू अवॉइड पैक्ड फूड एज आई टोल्ड यस्टरडे, रिफाइंड फूड एज आई टोल्ड, ऑल एनिमल फूड इफ पॉसिबल, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऑफ कोर्स यस, अवॉइड ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी यस. छाता है यहाँ पे, एनीबॉडी हैविंग छतरी है क्या? लेके आना अगर है तो. सो avoid drinking tea and coffee before the lunch. Those who want to drink tea and coffee, again it is a matter of negotiation. जो बोलेंगे हम चाय कॉफी छोड़ ही नहीं सकते, आपका डाइट छोड़ देंगे. जब बात यहाँ पे आ जाएगी फिर negotiation दोबारा शुरू होगा. My negotiation is, first of all, stop taking tea and coffee, and if you really want to take it, यार, then take it after the 12 noon or after lunch, right? उससे पहले लेना ही है. Really want to take tea and coffee before it, then take Hunza tea, right? And still you say that I will take the pet tea, that not conventional pet tea, so it is going to harm you. Phir wo fruits will make acidity, right? So aapko ye dekhna hai ki aapka stomach should be empty when you eat fruits, fruit breakfast. So anyway, tea and coffee. I was talking of nutrition supplement. This is something very important. Now you see, if you take any raw food, अगर आप कोई भी रॉ फूड लेते हैं एंड यू सी द न्यूट्रिशन इनसाइड इट, द न्यूट्रिशन इनसाइड द रॉ फूड इज लाइक दिस अम्ब्रेला. नाउ द न्यूट्रिशन एंटर योर बॉडी सेल्स टू वर्क इन द बॉडी सेल. न्यूट्रिशन बॉडी सेल के अंदर एंटर करता है टू वर्क. नाउ व्हेन द डोर ऑफ द सेल्स आर स्मॉलर देन दिस अम्ब्रेला. इमेजिन कि आपके घर का दरवाजा इससे छोटा है, तो क्या करेंगे आप? व्हाट विल डू इफ द अम्ब्रेला इज बिगर देन द डोर? यू विल जस्ट स्क्वीज इट एंड यू विल एंटर, एंड इफ नीडेड देन यू कैन ओपन अगेन, राइट? द न्यूट्रिशन इन द फूड इज आल्सो लाइक दिस अम्ब्रेला. वो भी इसकी तरह ही बिहेव करता है. इट स्क्वीजेस, इट एंटर द न्यूट्री द सेल देन ओपन अप. नाउ द न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, the chemical structure of the nutrition supplement, the nutrition from the supplement is same as the chemical structure of the nutrition from the fruits and vegetable. Only one difference. What can be that? It cannot fold. Imagine you are having an umbrella but it cannot fold now, and the door is smaller. Then what you will do? You will
स्ट्रगल राइट, आप स्ट्रगल करेंगे दरवाजे के अंदर घुसने के लिए, क्या होगा, ये टूटेगा, स्क्रैच लगेगा राइट, देयर विल सम डैमेज समवेयर इजंट इट। सो द न्यूट्रिशन टैबलेट डू नॉट वर्क द वे एज यू एक्सपेक्ट देम टू वर्क अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज हमारा काम बहुत आसान हो जाता। अनफॉर्चुनेटली द एनी न्यूट्रिशन चाहे वो कितना भी महंगा हो, पीपल से ये न्यूट्रिशन इज ऑर्गेनिक और नेचुरल, ऑफकोर्स एवरी न्यूट्रिशन इज नेचुरल ओनली, कोई चांस तो न्यूट्रिशन लाया है, nobody has brought the nutrition from the moon, nutrition is natural as long as it is brought from the earth nature, but then it is processed and changed in a form where it cannot close and open like this umbrella, it cannot be flexible, that nutrition is very damaging to your body. So nutritional tablet kitna bhi mehanga ho aapke paas, usko utha ke animal ko bhi mat dijiye, unko nuksan karega, फेंक ही दीजिए उसको राइट। सो नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दीज यू शुड नेवर टेक, जुकाम हो गया, सरदर्द हो गया, बुखार हो गया, समटाइम यू सफर फ्रॉम फीवर, समटाइम यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड एनी काइंड ऑफ पेन, एनी काइंड ऑफ स्टमक एक, एंड वी क्विकली टेक दोज मेडिसिन ओवर द काउंटर ड्रग्स, यू शुड नेवर एवर टेक इट, एंड इफ यू टेक इट बी प्रिपेयर्ड, your blood sugar will get disturbed immediately, right? So it will get disturbed. So it is not that your body is having something wrong, it is that you are taking a poison and expecting that it will do some good to you. Whenever you take any kind of drugs, over-the-counter drugs, it disturbs the blood sugar immediately at that very moment, right? So don't take it. Now the automatic question is, what to do? What to do in case of fever if I don't take the medicine? What to do in case of cold if I don't take the medicine? What to do in case of stomach ache if I don't take the medicine? Right? Agar bukhar ho gaya, zukham ho gaya, pet dard ho gaya, to kya kare hum? Very simple formula. If you do it for 24 hours to 48 hours, you'll be free of this problem, viral infection, etc. During those 48 hours, when you have that infection, un 48 hours mein, stop plate 2. The moment you do that, your temperature cannot rise abnormally high. Temperature will rise, but not beyond 101. It will be stable, right? And you will not feel any discomfort. Wo pain hota hai, bahut sara, wo sab nahi hoga. Only for 48 hours. So this means for 48 hours, you decided to take the medicine only. You stopped your food, plate 2. Next time you do this experiment, if you have any fever, the moment you have the first symptom of fever, ki yaar bukhar sa lag raha hai, जैसे ये लगा कि मुझे बुखार सा लग रहा है, स्टॉप प्लेट टू फॉर टू डेज एंड जस्ट सी एंड द फीवर विल स्टिल बी देयर बिकॉज द वायरस इज इनसाइड, एंड एज द वायरस इज इनसाइड, दिस मेडिसिन विल वर्क टू किल दैट वायरस। वो डेंगू का वायरस हो या फिर मलेरिया के जर्म्स हो, डजंट मैटर टू द बॉडी, यू जस्ट ट्राई इट एनी टाइम वंस एंड यू विल बी हैविंग मोर कॉन्फिडेंस, right? So don't take this medicine, you don't need it, you have better solution, right? When you are cold you can take fruits. Yeah, when you have cold you must take fruits, you increase the quantity of fruits. Jab aapko zukham ho to fruits ki matra koshish karke aur badhaiye, at least double than what you are taking now, for example banana, for example any other fruits which you love, right? Because now you have cold, so you must take more fruits so that you get cured. Yeah, when you have any kind of this symptomatic small illness, you stop taking plate 2 for 2 days. Plate 2, that is a cooked food. The conventional food, not step 2, plate 2, for 2 days. And that is enough to kill that germ, kill that virus. You can try and do it. Later on, if I have time, I will explain you scientifically how and why. What you have to avoid is this, and what you have to do, snacking. Throughout the day, what you can eat. Number one, soaked nuts, any kind of nuts. I am not specifying. Kaun se nuts, wo aapki marzi hai. Wo akrot hai, ya badam hai, ya mungfli hai.
but it should be raw nuts, not the roasted nuts. And what quantity is okay? Your body weight. I'm 70 kg, so 70 grams of nuts for me. In the whole day, not in one go. Ek bar mein nahin, pure din bar mein. 70 gram for me. Like in a small box you were given, you keep that box always in your pocket. जैसे लोग पान चबाते हैं ना, गुटका चबाते हैं, वैसे ही आप बादाम खाते रहो पूरे दिन भर में, राइट? लाइक दैट. फ्रूट्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टिल 12 नून. इट कैन बी टेकन एनी टाइम एल्स ऑफ द डे एज अ स्नैक्स ऑल्सो, एज मच एज यू वॉन्ट. क्लियर? कोकोनट वाटर एज मच एज यू लाइक इफ इट इज अवेलेबल. हाँ, फ्रूट्स में, फ्रूट सिर्फ 12 बजे तक ही नहीं लेना है, 12 बजे के बाद भी, आधी रात को भी अगर आपको भूख लगे तो फ्रूट्स इज योर बेस्ट चॉइस. फ्रूट्स अपने पास रखिए, भूख लगा तो ले लेना है. और मैं जब चलता हूँ कहीं पे गाड़ी में तो मेरे फ्रूट्स रखे रहते हैं हमेशा. एनी नट्स मींस कैशू नट आल्सो, सबको सोक करना है, सबको सोक करना है. सोक इट फॉर 2 to 3 hours, राइट? यू लाइक कैशू नट 2 hours इज ओके, आलमंड 3 hours, इट शुड बी लिटिल सॉफ्ट. 2 to 3 hours, 4 hours, इट इज फ्लेक्सिबल. वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है. आई मीन व्हेन यू सोक इट, इट ओपन्स. इतना ही करना. यस, एनी नट विच यू थिंक दैट यू कैन ईट आफ्टर सोकिंग. स्प्राउट्स, एनी स्प्राउट्स. स्प्राउट्स कितना? योर बॉडी वेट, दैट मच ग्राम. कोकोनट एज यू बीटन हियर, एज यू लाइक. एवरी डे सनशाइन अबाउट 45 minutes. कौन सा सनशाइन? You have heard Dr. Pawan Madhavan, but let me make it flexible for you. Any sunshine which you are comfortable. Abhi, to abhi bhi theek hai. Dopahar ka, wo bhi theek hai. Any time when you get it or any time when you feel comfortable. Right? Don't be specific. Mujhe us wale time ka lena hai. Nothing like that. Clouds mein bhi kehte hai, mil jata hai. Jarur milta hai. Right? So, ye hai step 3. Spot jo hai, ye compulsory lena hai ya choice pe? ये स्नैकिंग, स्नैकिंग तो चॉइस टाइप हो गया. 3 main meal, राइट? एंड दोज हु वांट टू बी थिनर, जो जिनको पतला होना है, दे हैव टू ईट प्लेट वन इवन मोर, राइट? इवन मोर, 20% मोर. जितना ज्यादा प्लेट वन खाएंगे उतना वेट घटेगा, राइट? जो लोग पतले उतना नहीं घटेगा, जो लोग मोटे हैं, इट बर्न्स. व्हाट इट डज, वो इंच लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगा. मसल लॉस, मसल विल गेन एंड इंच लॉस, एक्स्ट्रा फैट विल बी बर्न. तो आप देखें, टेप से करेंगे तो साइज कम होता जाएगा, राइट? सो दिस इज द टॉर्टोइज डाइट. ये पूरा डाइट है. ये दिस 3 steps कंसिस्ट ऑफ टॉर्टोइज डाइट. ये फर्स्ट स्टेप, दो सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप. उसके बाद फोन फ्रूट ले सकते हैं, ब्रेक टू में. हाँ, आई एम कमिंग टू दिस. प्लेट वन ले लिया, प्लेट टू में ये मील नहीं लेना, तो फ्रूट ले सकते हैं. कई बार होता है जैसे चपाती ली, उसके बाद कोई बनाना वगैरह. नहीं नहीं नहीं, फ्रूट्स ट्राई टू टेक इट इन एम्प्टी स्टमक, ट्राई टू टेक इट, राइट? अदरवाइज क्या होता है, उल्टा करते हैं, रिजल्ट भी उल्टा होता है. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इफ यू टेक फर्स्ट द वीआईपी डाइट एंड देन द डीआईपी डाइट, रिजल्ट विल बी ऑपोजिट. मेनी पीपल दे से, डॉक्टर आई एम डूइंग द सेम एज यू सेड, but in a different way. Results are different. There is no method, just wear as minimum clothes and try to expose your body to sunshine. This means you have your breakfast in sunlight. When driving the car, open the windows. Take every opportunity so that you get some sunshine. जैसे अभी भी हमने window बंद किया हुआ है, right? खिड़कियाँ curtain लगाए हुए हैं. That is up to you. Anything. हो जाता. नो 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 नो, अप टू यू, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी. वो भी ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन में नहीं, कोई भी ले सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ठीक लगता तो वो कर सकते हैं. मैं तो ये बोल रहा हूँ 45 मिनट सनशाइन, वो इंस्टॉलमेंट लेना है, एक बार में लेना है, सुबह लेना है, ये अब तक सिवरे वो तो और अच्छा है. मैंने 7 बजे बोला ही नहीं, आई डिड नॉट से. ओके, सो दिस इज टॉर्टोइज डाइट, राइट? दिस इज द
मोस्ट कन्वीनियंट डाइट एंड इट इज फॉर हेल्दी लिविंग राइट, ये किसी को भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला टाइप। कौन लोग टॉर्टोइस में है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप। रैबिट टाइप, रैबिट डाइट इज सेम एज टॉर्टोइस डाइट। रैबिट डाइट बिल्कुल वैसा ही है जैसे टॉर्टोइस डाइट है, सिर्फ एक बदलाव है, ओनली वन चेंज, एंड दैट चेंज इज इन रैबिट डाइट प्लेट टू इज अलाउड ओनली वंस अ डे, एक बार ही ले सकते हैं प्लेट टू। कुक्ड फूड इज अलाउड वंस अ डे। फॉर एग्जाम्पल टूडे इन द लंच यू ऑल विल हैव प्लेट टू, तो वी हैव टू गो ऑन, बट आफ्टर फिनिशिंग प्लेट वन। प्लेट टू मिलेगा लेकिन प्लेट वन खत्म करने के बाद। तो जो लोग रैबिट डाइट पे होंगे, those who will be in rabbit diet ultimately, this means in the evening when they go home, they have already finished their their quota of plate two, right? So they in the evening they don't have the choice to have plate two. Once a day, you decide dinner or lunch, right? Once a day, plate two. I'll come to it. So पहले simplify कर लेते हैं, then we'll come to the more details. So now you understand the rabbit diet is same as tortoise diet, only one difference, and that difference now you know. Clear? The third type of diet. Once a day can be lunch or dinner. Lunch or dinner, you choose. आप देखिए कौन सा convenient है आपके लिए। 12 बजे के पहले वो same है, सब बाकी सब same है। Actually सब कुछ ही same है, सिर्फ एक change है। Now the third type of diet. Frog diet. Frog. Yeah, you can take. More than vegetables. Yeah. In normal cases, those who are in tortoise diet, and if you are in rabbit diet, sometime you can replace fruits with vegetables. Right? Sometime you can replace these fruits with vegetables. Instead of taking vegetable, you can take fruit. Sometime, not every time. Number one, right? But if you are not in these two kind of group, I'll talk about the third group, the frog. No, only in dinner. Yeah, only in dinner. Yeah. So here, it is possible to replace the vegetable for fruits. Number one, and then you check your blood sugar. Is it still stable? If not, then you have to go back to vegetable. I'll come to that flexibility after some time. First, I give a rough guideline. Then I come to those flexibility. How much flexible we can be? कितना flexible हम हो सकते हैं इसमें? इन नियमों को कितना तोड़ा जा सकता है? For example, one, if I go on a party, if I go on a marriage, then I'll say, नहीं नहीं मैं तो rabbit diet में हूँ. People say he's mad, he's foolish. Rabbit, what is rabbit? Right? So they will make fun of you. So one more rule, once in a week, cheating diet. Cheating is allowed once in a week, right? Once. So that is a quota, right? That is your quota. Okay, ek bar main kar sakta hu. So anyway, parties and marriage do not happen every day. Maybe once in a week on average, right? And that will satisfy your need also. Yeah, once in a week, cheating day. Once in a week, late night. Okay, toh cheating hai, toh fir cheating hi rahega, kabhi bhi ho sakta. Cheating means you are not following any rules. Cheating means आप कोई नियम पालन नहीं कर रहे हैं, वो हफ्ते में एक बार के लिए। ओके ना, ओके। रैबिट डाइट इज क्लियर टू माई अंडरस्टैंडिंग टू यू एंड द टॉर्टोइस डाइट इज क्लियर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द फ्रॉग डाइट। ओके। वेलकम राइट। सो now the last third is the frog diet. Frog diet is same as rabbit diet with one change. No. It's not like that. You cannot guess it.
फ्रॉग डाइट इज सेम, फ्रॉग डाइट वही है जैसे रैबिट डाइट है, सिर्फ एक बदलाव है एंड दैट इज प्लेट टू, जैसे रैबिट डाइट में एक बार ले सकते हैं, इसमें भी एक बार ले सकते हैं, एज इन रैबिट डाइट इन फ्रॉग डाइट ऑल्सो यू हैव टू टेक प्लेट टू ओनली वंस, बट द अमाउंट ऑफ प्लेट टू विच यू आर गोइंग टू टेक वंस इज लिमिटेड. द क्वांटिटी ऑफ प्लेट टू इन फ्रॉग डाइट विच यू आर गोइंग टू टेक वंस ओनली इज लिमिटेड. योर बॉडी वेट इन टू टू, that is the maximum amount of plate 2 in a whole day you can take. Right? Plate 2 kitna lena hai? My body weight 70 into 2, what it becomes? 140 grams. In whole day, I'm allowed to eat cooked food only 140 grams. Any one time of the day, I have to choose. Right? Pure din mein sirf 140 ya 150 gram hi chawal, roti, sabji, dal, ye sab main kha sakta hu. Agar main frog diet mein hu to. फ्रॉग डाइट में आप बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत ही थोड़े लोग हैं, राइट? बट आपकी बॉडी की डिमांड वैसी है, योर बॉडी डिमांड्स सच काइंड ऑफ थिंग्स सो दैट द बॉडी इज एबल टू हेल्प इटसेल्फ टू रिकवर फ्रॉम द प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन. सो दैट इज एंड इट इज नॉट फॉर लाइफ, राइट? इट इज फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज. आई विल टेल यू, इफ यू आर इन फ्रॉग ग्रुप दैट डज नॉट मीन फॉर लाइफ, इट इज यू हैव डू इट ओनली फॉर सम डेज, देन यू विल ग्रेजुएट टू रैबिट, देन यू विल ग्रेजुएट टू टॉर्टोइस. सो अल्टीमेटली यू ऑल विल बिकम टॉर्टोइस, राइट? अल्टीमेटली आप सब कौन से ग्रुप में आ जाएंगे? टॉर्टोइस, राइट? सो कछुए वाले ग्रुप में आ जाएंगे अल्टीमेटली. सो रेस्ट ऑफ द ग्रुप आर टेम्पररी ग्रुप्स. ओके, नाउ देयर इज वन मोर टाइप, गोल्डन फ्रॉग टाइप, मोर डेंजरस. इन दिस टू और थ्री पीपल आर देयर इन गोल्डन फ्रॉग टाइप और लिटिल या और फोर पीपल. गोल्डन फ्रॉग टाइप इज सिमिलर टू द फ्रॉग टाइप with the following changes. Before eating the breakfast, eat first 3 to 4 type of vegetable of this amount, right? Breakfast se pehle, before food breakfast, you eat 3 to 4 type of raw vegetable on this kind. This means agar main frog golden frog diet mein hu to food breakfast karne se pehle vegetable le lunga, about how many grams? 140 grams of vegetable I'll eat, right? One change, and second change, before lunch and before dinner, take 3 to 4 kind of leaves, green leaves, equal to your body weight. In my case, before I starting the plate one, as a lunch or dinner, I will take how much gram of? 70 gram. मुझे पत्ते खाने, फिर plate one आएगा, फिर plate two आएगा. These leaves, it regulates the blood sugar. These leaves, once it is in the stomach, it sends signal to the pancreas कि भाई खाना आने वाला है. तो ये क्या है? आप you see when a VIP is about to come in a certain location, पहले उसका traffic signal वाला, police वाला पहले आ जाता है, रास्ता clear करते हैं, या आता है ना? तो ये रास्ता clear करने के लिए आया है, क्योंकि रास्ता आपका ठीक नहीं है इसलिए, right? क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई है इसलिए बॉडी में. सो फॉर टेम्पररी पीरियड, दिस इज व्हाट इज द गोल्डन फ्रॉग ग्रुप. गोल्डन फ्रॉग ग्रुप पीपल, दिस मींस बिफोर फ्रूट ब्रेकफास्ट दे हैव टू ईट वेजिटेबल ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड बिफोर लंच एंड डिनर दे हैव टू ईट ग्रीन लीव्स ऑफ दिस क्वांटिटी. फ्रूट ब्रेक गोल्डन फ्रॉग डाइट में सिर्फ यही बदलाव है फ्रॉग ग्रुप से कि फल खाने से पहले ब्रेकफास्ट में पहले वेजिटेबल खाएंगे, अपने बॉडी वेट इंटू टू इतने ग्राम्स, और लंच और डिनर करने से पहले भी आपको हरे पत्ते खाने हैं अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, राइट? अगर कोई 100 केजी का है तो 100 ग्राम्स खाना है, राइट? एनीवे ये सबसे टफ डाइट है, लेकिन ये बहुत थोड़े दिन के लिए होगा जब तक आपका ब्लड शुगर स्टेबलाइज ना हो जाए. इट इज द टफेस्ट ऑफ द डाइट आई अंडरस्टैंड, बट इट विल गिव यू रिजल्ट बिकॉज योर रिजल्ट योर आइडिया इज टू फ्री ऑफ द इंसुलिन, फ्री ऑफ द सिम्टम्स, राइट? योर इमीडिएट desire, immediate what is required. So now here the most, you have understood all the four kind of diet, right? चारों diet आपको मिल गए हैं.